शांति। आज 31 जुलाई 2020 की साकार मुरली है। बाबा ने आज समझाया, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती और पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती और पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? तो बाबा ने कहा, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। मीठे बच्चे, अपनी कर्म इंद्रियों को वश में रखना, कभी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो, इसीलिए तुम्हारे लिए तो जो भी यहाँ है फीमेल चोले में सब बहन ही है। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। पिछली जिंदगी गुजार दी, ये नया जीवन शुरू हुआ है, नया जन्म है, तो नए जन्म में नई धारणा करनी है ना। तो बाबा ने कहा, तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो, तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय और कहीं भी नहीं दी जाती। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय और कहीं भी नहीं दी जाती। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए में। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आँखों से देखने में नहीं आते हैं और सब चीजें देखने में आती है। यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं? आत्मा भी देखने में नहीं आती। पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना ही नहीं है, ना कभी सुना ना कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती, लेकिन आत्मा को ही पढ़ना है। शरीर अकेला नहीं पढ़ता है, आत्मा को ही पढ़ना है। आत्मा ही सब कुछ करती है। यह इस सत्संग में नई बात है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना, यह नई बात है ना, जो और कोई समझा ना सके। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाए कैसे? निराकार पढ़ाए कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना, वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, इस रथ के पास अपनी भी आत्मा है और शिव बाबा भी इसी रथ में प्रवेश करते हैं। वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही सकते हैं, ये भी नई बात है।
वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़े सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहे हैं। ये है बिल्कुल नई बात। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझें और ब्राह्मण बने और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ ऐसे कोई आ न सके। और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ आने से पहले कोर्स करते हैं, 7 दिन समझते हैं, योग अलग से बैठकर राजयोग का अभ्यास करना सीखते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ ऐसे कोई आ न सके, क्योंकि यह पाठशाला है ना, केवल सत्संग नहीं है। बैरिस्टरी के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यह है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है कि मैं आत्मा हूँ। कई तो यह भी नहीं मानते, कह देते सब नेचर है, सब प्रकृति में ऐसे ही है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती है। आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है ये हमारा बच्चा है। आंखें ऐसा देखती है तो कहेगी ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे। कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं कि यह तुम्हारा भाई है, देख तो सकते नहीं, केवल बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं। ये 2-3 दिन से बाबा समझा रहे हैं, कल भी कहा, परसों भी कहा, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें ही नहीं है, सूरदास है, लेकिन मन फिर भी कहीं ना कहीं चलायमान होता रहता है। हाँ, बहुत लंबे टाइम तक बचे रहेंगे क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है। भले और कुछ काम वह ना कर सके, लेकिन ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए। स्त्री को भी नहीं देखा हुआ, दूसरों को देखे तो बुद्धि जाए कि उनको पकड़े भी। देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे, कैसे टच करेंगे। तो बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना, याद करा रहे हैं बाबा, क्योंकि ये सख्ती से, दृढ़ता से ये स्मृति अपने अंदर भरनी पड़ेगी, तभी हम इस घोर कलयुग की विकारी दृष्टि, विकारी बातों से दूर रह सकेंगे। तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भले आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लॉ मुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। जो एक ही घर में पैदा हुए हैं फिर भी मर्यादाएं हैं, और लॉ मुजीब
उनके बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। तो यहाँ हम आते हैं, वैसा ही बहन भाई समझना, ब्रह्मा के बच्चे हम सभी, हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो यह ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं ना, बुरी दृष्टि तो जा ना सके। कितनी अच्छी तरह बाबा समझा रहे हैं, कुछ भी हो जाए बुरी दृष्टि जा ना सके, ये पक्का पक्का समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से, ये ऑर्गन्स हैं, हम आत्मा इनसे अलग हैं, हम आत्मा इनसे अलग हैं, इन कर्म इंद्रियों से मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म इंद्रियां थोड़े ही हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ, ये शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक पाठ, और कोई मनुष्य यह पाठ नहीं बजाते हैं, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, लेकिन यह निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है, बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है, बाप टीचर गुरु तीनों ही निराकारी हैं। आज बार बार याद कराया, पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती है, हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं तभी तो समझा जाए, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहां तो कोई खेल नहीं है, वह तो अपना घर है, वहां सब आत्माएं रहती हैं, अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती हैं, वह बीच से वापस जा नहीं सकती, अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं। जो शुरू से आई अंत तक पाठ बजाती रहती हैं, पुनर्जन्म ले लेके इंतजार कर रहे हैं ताकि मूल वतन में बैठी सभी आत्माएं आ जाएं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं, फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना, ज्ञान मार्ग है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, सच बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए यह एक ही सत का संग होता है। बाप जब आते हैं बच्चों से मिलते हैं तब उसको ही सत्संग कहा जाता है, बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत का संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग है रावण का, बाप कहते मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है, मैं तो सेल्वेज करने वाला हूँ, पार ले जाने वाला हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है। तमो प्रधान कैसे बन जाते हो यह भी तो बताना पड़ता है ना, सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र, उनको कहा जाता है पतियों का पति। ये महिमा
कोई रावण की नहीं है, ये सिर्फ शिव बाबा की ही है। सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को रावण ही कहेंगे, माया बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा चाहते हैं सेवा करो, जहां भी लोग इकट्ठे हों हर स्थान पर जाकर समझा दो। जहां रावण का पुतला जलाया जा रहा है तो वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना, तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। जैसे वह शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं ना, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं, धन देते हैं। वो तो जो सुनाने आएगा टीचर की तरह, उसको देना ही पड़ेगा, सब इकट्ठे मिलकर ही बुलाते हैं उनको। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। ये सब हम भी तो करते थे। कोई कथावाचक आ जाए, उनका सुन के बहुत अच्छा लगता था, उनके पीछे पीछे घूमते थे, चाहते भी थे वो हमें सिखा दे ये सब। तो कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसीलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। ये झाड़ बढ़ता जाता है, बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है, एक से एक बढ़ते गए। पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले सब आने लगे। आप सोचिए, एक हैदराबाद सिंध में ही है ना, हैदराबाद शहर में, फिर कराची में कितनी बड़ी क्लास थी। अब एक शहर में इतनी बड़ी क्लास हो पाती है क्या? 350 आते आते तक 385 इतने थे। तो वो आपस में एक दूसरे के, दादियों की कहानियां सुनो तो पता लगे कितने आसपास रहने वाले पड़ोसी, मित्र संबंधी आदि थे। पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले सब आने लगे। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं, समझते हैं ना कि यह भी सत्संग है, परंतु यहाँ है, इसमें है पवित्रता की मेहनत। जिससे ही हंगामा हुआ, अभी भी होते रहते हैं, इसीलिए वो गालियां देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे, अब पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी, परंतु यहाँ पवित्र तो बनाया होगा, पटरानी बनाने से पहले पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो यह महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है, नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। पूरी गाथाएं, भागवत लीलाएं नारायण की नहीं है, कृष्ण की है। तो बाबा कहते कृष्ण को कितना मानते हैं, इतना नारायण को नहीं मानते। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं, कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना, महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं इस कलयुग में भी। क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होता है, परंतु उनको मालूम तो है कि काम क्रोध क्या होते हैं, छोटे बच्चे को पता ही नहीं रहता, इसीलिए महात्मा से ऊंच कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण को ज्यादा मान देते हैं, कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं,
भारत का लॉर्ड कृष्णा है, बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं कि इन जैसा पति मिले, अपने आप को गोपियां कहलाकर खुश होती हैं, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना, बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है, तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी उतना फील होगा और ट्रांसफर होते जाएंगे, कलयुग से सतयुग की तरफ ट्रांसफर होते जाएंगे, तो सुख की फीलिंग तो नेचुरल होगी। तमो से रजो सतो में आते जाएंगे, फिर सतो से सतो प्रधान तक, तमो से रजो फिर सतो में आते जाएंगे तो ताकत खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, सिख लोग गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है याद से, जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना, चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे है, लेकिन चंद्रमा पर भी फिर ग्रहण लग जाता है, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन पूर्ण मास हो जाता है, तो उसे पूर्णमासी कहते हैं। तो फिर पूरा 16 कला संपूर्ण, लेकिन फिर चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है, तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान तो दे नहीं सकते हो, फट से नहीं देते हो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके देते हो। आंखें भी कितना धोखा देती हैं, कितने वर्ष ज्ञान में चलते हो गए लेकिन अभी भी आंखें धोखा देती हैं, दैहिक दृष्टि हो जाती है, शरीरों को देखती है दृष्टि, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए, फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो ये ब्रदरली लव निकल, ब्रदरली लव तो निकल गया, स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता है, इसीलिए बाबा ने मर्यादाएं बनाई हैं कि दूरी रखो, है ना, व्यर्थ बातों में नहीं आओ, फैमिलियरिटी नहीं बढ़ाओ, आपस में एक दूसरे से दिल की बातें करना, इमोशनल हो जाना, तो ये सब बातें नहीं करो, तो वो फैमिलियरिटी नहीं होगी, तो फिर धीरे धीरे अटैचमेंट नहीं बढ़ेगी तो ठीक रहेगा। तो कोई को दिल अंदर खाता भी है कि हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुरली चलाते हैं कि इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं होगी, भले मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है, इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं कि मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो जाना है, अब सेंसिबल हो जाओ, समझदार बन जाओ। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन तो होता है, ब्लड रिलेशन तो होता है वहां भी, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है, लेकिन वहाँ आत्माएं डिटैच हैं, इसीलिए किसी से अटैचमेंट नहीं होती है। कहेंगे विकार बगैर बच्चे पैदा कैसे होंगे,
बाप कहते वो है ही निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होते ही नहीं। तो वहां भी अगर नग्न हो तो वहां भी रावण राज्य हो जाए, फिर यहाँ और वहां में फर्क ही क्या रहा। तो यह समझने की बातें हैं, बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। आज बाबा बहुत सख्त मुरली सुना रहे हैं इसी बात पर कि जैसे किसी को फीमेल में देख रहे हो, फीमेल शरीर में वो आत्मा बहन है, बुरी दृष्टि हो नहीं सकती। ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए इसको हाथ लगाएं या दैहिक दृष्टि से देखें, फिर यहाँ और वहाँ में फर्क ही क्या रहा। ये समझने की बातें हैं, बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेज में देखो बच्चे बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझना है कि हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में बहन भाई हो गए। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? अच्छा, वो ज्ञान में नहीं चलते, उनको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बाबा की मुरली सुनते हैं उनको बहुत अलर्ट रहना है। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते हैं? सब कहते भी हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो हुई निराकारी संतान, फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण ही रचेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना। वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत आती है। बाबा को किसी के अंदर की स्थिति पता है, किस आत्मा को प्रॉब्लम आ रही है उसी पर आज बाबा उसी को ध्यान में रखते हुए सबको ये समझानी दे रहे हैं। इसमें बहुतों को दिक्कत आती है, किसी की रिपोर्ट आई है या कोई ऐसी पार्टी में है जो बाबा के सामने बैठे हैं। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इनका भी कोई नहीं मानते, कोई नहीं मानते, बड़ी मेहनत है, मेहनत बगैर ऊंच बनेंगे कैसे। बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। कितनी बार समझाया आज बाबा ने, तो बच्चे समझते हैं कि बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है, मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो, भले एक दूसरे को दुनिया को ज्ञान सुनाते हैं लेकिन चलन भी पवित्रता की हो। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा धोखा देने वाली आंखें हैं। तो मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब पहले आंखें जाती हैं, मन चलायमान होता है, फिर मुख से भी वैसी भाषा वैसे शब्द निकलते हैं। तो बाबा ने कहा मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है यह खाऊं। इसीलिए कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। 3 दिन से बाबा ऐसी मुरली सुना रहे हैं और 3 दिन से ही कोई ऐसी पार्टी या ऐसी आत्माएं बाबा के सामने हैं, बिल्कुल उसकी धुलाई करके पवित्र बनाकर ही भेजेंगे। बाबा कहते म्याऊ म्याऊ तब करता जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है यह खाऊं। इसीलिए कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पवित्रता की चलन अपनानी है, पवित्रता की चलन अपनानी है, बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। पवित्रता की चलन अपनानी है, बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरा पॉइंट है, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज वरदान दिया बाबा ने, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले कौन है, हम देखो बाबा याद करा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। आज का स्वमान याद रखेंगे, मैं बाप समान वरदानी महादानी आत्मा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। अमृत वेले का वातावरण ही इतना शुद्ध पवित्र है जो वृत्ति को बदलने वाला होता है। आप सोच के देखना, रात को सोए अमृत वेले उठे, उठते ही किसी को डांटने गुस्सा करने क्रोध करने का ख्याल नहीं आता है। लंबे टाइम तक 4-5 घंटे सोने के बाद भी आत्मा ऐसे चार्ज हो जाती है। इवन दुनिया में क्रिमिनल्स, कोई भी आतंकवादी, कैसे भी किसी भी तरह के लोग, उनकी भी आत्मा चार्ज हो जाती है अमृत वेले उठते ही। सो के उठते ही वो एकदम क्राइम के थॉट नहीं कर सकते, रात भर करे और बात है, लेकिन लंबा टाइम सोने के बाद उठते ही एक बार शांति के ही संकल्प चलते हैं। सोए हुए को भी आत्मा को बाबा चार्ज कर देता है। देखो हर एक आत्मा को वो तो प्यार करता है ना। तो बाबा ने कहा अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है, इसीलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति।